विनोद नारायण झा के अंदर में गुंडा लोगों को संरक्षण दे करके और मेरे साथ इतना अत्याचार किया है। राजेश यादव को भी बुलाया जाए और वो अपने स्वयं यहाँ आवे और इस चीज का फैसला मुझे करके बतावे जो किसके संरक्षण में है। 7 तारीख के हमारे यहाँ तेजस्वी यादव जी आए थे, उससे पहले सुशील मोदी जी हमारे यहाँ क्यों नहीं आए। न्यूज में हम लोग देखे हैं सुशील मोदी जी उल्टा सीधा जवाब दे रहे हैं, हमारा पूरा के पूरा परिवार को समाप्त कर दिया है, मेरा बाल बच्चा जो भी बचा है वो गया है क्रियाकर्म करने के लिए। और सुशील मोदी जी कह रहे हैं जो राजेश यादव इसमें, राजेश यादव क्या किए हैं इसमें, वो तो तेजस्वी जी आए थे तो उस रोज मेरे यहाँ आए थे हमको सांत्वना देने के लिए। आज बार बार सुशील मोदी जो है सो कह रहे हैं जो राजेश यादव इनका संरक्षण दे रहा है, मुझे कौन संरक्षण दे रहा है। मैं सुशील मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, बार बार लालू यादव और तेजस्वी यादव के ऊपर वो अपना हमला करते हैं। मैं जो है सो कोई किसी को न बुलाने जाता हूँ, यदि 7 तारीख के हमारे यहाँ तेजस्वी यादव जी आए थे उससे पहले सुशील मोदी जी हमारे यहाँ क्यों नहीं आए। मैं तो चाहता था सुशील मोदी जी भी मेरे यहाँ आएंगे, लेकिन ये दुष्प्रचार जो कर रहे हैं सुशील मोदी जी ये अच्छा बात नहीं कर रहे हैं। ये हम लोगों को और फंसाने के जो भी एक दो समांग बचे हैं उनको मरवाने का ये साजिश रचा जा रहा है। जो मैं सुशील मोदी जी से पूछना चाहता हूँ जो अभी तक सांत्वना के लिए मुझे क्यों नहीं आए। सारे राजनीति के पार्टी आए हैं मेरे यहाँ सांत्वना देने के लिए, चाहे वो हो जदयू हो राजद हो और भी जो भी पार्टी है मेरे यहाँ सांत्वना देने के लिए आते हैं। ये सुशील मोदी जी कहाँ के रचना रच रहे हैं अपने अंदर में, और ये विनोद नारायण झा के अंदर में गुंडा लोगों को संरक्षण दे करके और मेरे साथ इतना अत्याचार किया है जो कि मेरा 5-5 बेटा और भतीजा जिसका दाह संस्कार हो गया है उसका क्रियाकर्म गया में हो रहा है। एक जिंदगी मौत से जो है सो जूझ रहा है जो पारस हॉस्पिटल में है। तो इतनी बड़ी रचना सुशील मोदी जी कहाँ से रच रहे हैं। मुझे न्याय चाहिए, सरकार से न्याय चाहिए, मुझे नीतीश जी से न्याय चाहिए, मुझे नरेंद्र मोदी जी से न्याय चाहिए। और ये कहाँ के अफवाह जो है सो आकर के फैला रहे हैं सुशील मोदी जी। मुझे प्रशासन की संरक्षा जो है संरक्षण जो है अभी मिला हुआ है, प्रशासन मेरे साथ है, मेरे प्रोटेक्शन में यहाँ 20 से 25 पुलिस यहाँ मेरे यहाँ है। और उसके बाद में हम लोगों के ऊपर गलत जो है एलिगेशन लगा करके आप पूछ सकते हैं यहाँ के प्रशासन से, जो हम लोग जो है सो कहाँ अपने दरवाजे से जा रहे हैं इसका खंडन करेंगे। पुलिस महकमा भी है यहाँ और आम जनता यहाँ जातिवाद के रंग दे रहे हैं। 7 तारीख के यहाँ जो है सो तेजस्वी जी आए, 10 दिनों के बाद उसके बाद में पटना से 4 या 5 घंटा का रास्ता है। सुशील मोदी जी इलेक्शन में हेलीकॉप्टर से घूमते हैं, मेरे यहाँ क्यों नहीं अभी तक आए हैं जो कि आज 13वां दिन है। और उल्टा सीधा जवाब दे रहे हैं सुशील मोदी जी, ये कहाँ का न्याय है। मुझे न्याय चाहिए, मैं न्याय के लिए गुहार कर रहा हूँ और सुशील मोदी जी उल्टा सीधा जवाब दे रहे हैं किसी को फंसाने के चक्र में। आज गुंडा के संरक्षण दिए हुए हैं विनोद नारायण झा, सुशील मोदी जी आप आ करके यहाँ प्रवीण झा को भी बुलाया जाए, राजेश यादव को भी बुलाया जाए और वो अपने स्वयं यहाँ आवे और इस चीज का फैसला मुझे करके बतावे जो किसके संरक्षण में है। उनके जो है सो मोबाइल से कॉल रिकॉर्ड निकाला जाए जो कैसे क्या हुआ है। मैं इसके ज्यादा क्या कह सकता हूँ, मेरा तो जो भी बाल बच्चा बचा हुआ है वो गया में जाके क्रियाकर्म कर रहे हैं, फिर हमारे ऊपर क्यों ऐसा एलिगेशन लगा रहे हैं। सुशील मोदी जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या आपका बेटा इस ढंग का हत्या हो, आपके परिवार में हो, आप क्या कीजिएगा। मुझे तो न्याय चाहिए।